का करते हैं ठीक है ब्लू जे वॉकिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है अच्छा ये एक स्क्रू है जो मैंने स्टीव जॉब्स के घर से घर से <laughs> जिस गैराज में स्टीव जॉब ने एप्पल स्टार्ट किया था ओके okay. मैंने वहां से एक स्क्रू निकालकर मैं गाड़ी में बैठकर दोस्त के साथ भागा <laughs> दुनिया में बहुत कम ऑर्डर्स है जो फॉलो ड्रिवन है ओके इंडियन ऑडियंस फॉलो ड्रिवन है बहुत फॉलो ड्रिवन मतलब हम लोग की फैंस बन जाते हैं अच्छा हमारा कल्चर बॉलीवुड का कल्चर अब हर चीज में गया है इंडिया ऐसी ऑडियंस है जहाँ अभी फैशन इंडस्ट्री बेसिकली पहली बार स्टार्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट फैशन फैशन ग्लोबल प्रोडक्ट ओके इससे पहले हम यहाँ कपड़े बेचते थे हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम जो ग्लोबली आई थिंक फैशन इज सो इमेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरिंग जो ब्लू ओशन स्पेस बोलते हैं बिजनेस में okay. कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इंडिया में थर्टी परसेंट ऑफ इंडिया अकाउंटी प्लसेंट ऑफ सेल्स बहुत पैसा है इंडिया में टूडे राइटफुली आप ब्रांड <laughs> बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हो आई थिंक फैशन ऐसी जो आप ड्रॉप शिपिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में अभी पूरा गेम अवेयरनेस का है

तो जो दिल खुश हो ना हाँ, हाँ यार इस बार नहीं आ पाऊ नेक्स्ट्रेड परसेंट आ रहा हूँ नमस्कार दोस्तों फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है आज हम आए मिलने ध्रुव खुराना से जो कि ऑलमोस्ट गॉड्स के फाउंडर हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यार इंस्टाग्राम में उनके सिर्फ चौंतीस हजार फॉलोअर्स है फिर भी कैसे वो साल का दस करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू करते हैं

हम 2018 में हमने स्टार्ट किया था अब हमारे दो स्टोर्स हैं हम नॉट ओनली इन इंडिया बट वी ऑल्सो सेल नॉर्थ अमेरिका में यूरोप में थोड़ी मल्टी ब्रांड स्टोर्स के साथ जब 2015 में स्नीकर्स का बूम वहाँ स्टार्ट हुआ था मैं एक बच्चा था जो मतलब नाइकी के स्टोर के बाद सो, सोता था यू नो पिक अप द राइट स्नीकर ड्रॉप एंड आई थॉट इंडिया में वो कल्चर बिल्कुल नहीं है एंड आई रियली टू स्टार्ट इट तो एट द टाइम ट्वेंटी एटीन में हॉबी एंड आई सॉ कि यहाँ ऑर्गेनिकली बहुत मतलब ट्रैक्शन आ रही थी यू नो रणवीर सिंह ने अपने कपड़े पहने वी गॉड इनवाइटेड फॉर सोल डी एक्सपी जो है दुनिया के सबसे बड़ा स्नीकर स्ट्रीट वाय फेस्टिवल ये कहाँ होता है uh, दुबई में ओके okay. तो डी और कॉन्सेप्ट के बिल्कुल बाजू में हमें एक बूथ दिया गया तो ईसैप रॉकी कानिया वेस्ट की टीम डैनियन ले जो मतलब इंटरनेशनल सुपर स्टार्ज हैं वो आए थे हमारे कपड़े मतलब उन लोग ने खरीदे हैं uh, और आई जिस थॉट कि प्रोडक्ट जो हॉबी थी इतनी ऑर्गेनिक ट्रैक्शन आ रही है कि सही इसमें जान हो कि ये बिजनेस बन पाए तो उसके बाद आपने फिर डिसाइड किया इसको फुल टाइम पॉसिबल हाँ। तो ध्रुव आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली कि स्ट्रीट वेयर का कल्चर काफी ज्यादा इंडिया में ग्रो हो रहा है ब्रांड्स आ रहे हैं बट ये एक्चुअल में स्ट्रीट वेयर होता क्या है स्ट्रीट वेयर एक मूवमेंट है जो अमेरिका में मतलब 80s 90s में स्टार्ट हुआ था बेसिकली जो अंडर रिप्रेजेंटेड ब्लैक कम्युनिटी थी उनके लिए वॉइस नहीं थी फैशन में आर्ट में लोग उनको मतलब निगलैक्ट करते थे तो उन लोग ने अपनी वॉइस ढूंढी इवेंचुअली क्या हुआ कि उस वॉइस में इतनी आइडेंटिटी थी पर्सनैलिटी थी वो मतलब सब ग्रुप्स को केटर कर रहे थे जो लोग नॉर्मली इग्नोर कर रहे थे आर्ट में फैशन में तो जैसे स्केटबोर्ड की कम्युनिटी थी ओके अच्छा सब ग्रुप्स भी थे सब ग्रुप्स बहुत थे जो लोग नहीं देख रहे थे तो स्केटबोर्ड की कम्युनिटी के लिए एक ब्रांड खड़ा हुआ सुप्रीम ओके okay. बहुत छोटा सा ब्रांड था अच्छा जब स्टार्ट हुआ था एक स्टोर था दो स्टोर थे बस वहाँ दस स्केटर जाकर फुल डे बस स्केट करते थे स्केटबोर्ड की बात करते थे बहुत ही मतलब कल्ट टाइप का था फाइनली सोचो 20 साल के अंदर सुप्रीम okay. अच्छा। इतना बड़ा ब्रांड में हो गया सुप्रीम uh, मतलब को ऐसा सोचते है की वो कहीं पे भी अपना लोगो लगा देते हैं उसकी वैल्यू टेन एक्स हंड्रेड एक्सो जाती course. है बट एंड ऑफ दोगो ही तो गेम है एंड आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट गॉड अगर कोई भी इस ब्रांड देखो आई थिंक आई एम इन दिस बिजनेस बिकॉज क्योंकि मुझे जहाँ कल्चर और बिजनेस जो मिलते हैं वो कॉन्फ्रेंस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ओके आई थिंक कल्चर जो आर्ट होता है वो फंडामेंटली वैसी चीज होती है जिस जिसपे ह्यूम कनेक्ट करते हैं एंड ऑफ द डे कल्चर स्टोरीज इन सब पे आप आप मूवीज देखो करेक्ट एंड ऑफ द डे आप पूरी पूरी फैमिली थकी हुई काम से आती है डाइनिंग टेबल पर बैठ आप मूवी की बात कर सकते हो आप अनजान बंदे से मिलते हो स्टोरीज ऐसी चीजें जो सबको कनेक्ट करती पर्सनालिटी पूरी दुनिया में लोगों को छू सकती है एंड सिंबल्स ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग छोटे से एक सिंबल में पैक करके देती है लोगों को इंटरेस्टिंग तो जो सुप्रीम का थप्पा है उससे मैं आपकी आइडेंटिटी जानता हूँ कि okay. आप किस चीजों के साथ रिलेट करते होके हमारे okay. जो ग्रिफिन है ये hmm. एक सिंबल है हमारे लिए हाँ जैसे आपने बोला पावर और उस चीज के लिए पावर का सिंबल है एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि आपका नाम बहुत यूनिक है बहुत अट्रैक्टिव है कि एक बंदा जो सुनेगा वो हमेशा याद रखेगा एंड एक ब्रांड के लिए आई थिंक ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल तो जनरल जब ऑडियंस फैशन एंतुज भी होंगे तो ऐसे आइकॉनिक या बढ़िया ब्रांड निम सोचे कैसे कैसे डिसाइड करते हैं आई थिंक आपके गोल पे डिपेंडेंट है मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से आता हूँ मेरा फैशन में आई थिंक फैशन एक हॉबी है एक लव है मैं फैशन की बुक्स पढ़ता हूँ बट मेरा मेन स्टेप बिजनेस है मुझे एक ब्रांड सेटअप करना था जो इन्फाइनइटली स्केलेबल हो जहाँ मार्केट इंडिया पे ना रुके इंटरनेशनल ले पाए यू नो समथिंग जो इंडिया का इम्पैक्ट मैं ग्लोबली दिखा पाऊंगी मेरे ग्रैंड फादर आमी जनरल है ओके okay. तो वो इंडियन चीज़ मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को दिखाऊँ कि यार यहाँ दम है यहाँ क्रिएटिविटी है यहाँ लोग छोटा नहीं सोचते अगर कोई फैशन बिजनेस खोल रहा है आप अपने नाम से भी फैशन बिजनेस खोल सकते हो आप जो कि बहुत सबसे ज्यादा कॉमन होता है कुछ इंडिया में बहुत कॉमन है ओके okay. बट वहां प्रोडक्ट प्रोडक्ट है वहां आप सिंबल नहीं खरीद रहे हुँ. आप बोल रहे हो अच्छी साड़ी है या अच्छा कुर्ता है हमारे लिए वो चीज नहीं है बाय चांस आपको डिजाइन भी ना पसंद हो अगर कम्युनिटी ने वैलिडेट कर दिया कि उसका रीजनिंग उसकी स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है उसका जैसे आप देखोगे ना उसकी एलिवेट हो जाती है उसकी उसकी वैल्यू उस एलिवेशन में मुझे खेलना था बिकॉज़ आई फील लाइक नेचुरल जो स्टोरी टेलिंग वो पूरा बस स्केल के बारे में तो हमने ऑलमोस्ट गॉड्स यू किया बिकॉज़ पावर की स्टोरी टेलिंग है ऑलमोस्ट गॉड्स ऑफ फीलिंग कि मैं इंसान हूं बट आई एम आई एम ग्रेटर आई एम क्लोजर टू द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इंटरेस्टिंगली बोला कि आपका आपने पहले ब्रांड आइडेंटिटी सोची जो कि आपका था पावर एंड उसको डिनोट करता है बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट गॉड्स की यू आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू गॉड्स बट अगेन अपने ब्रांड आइडेंटिटी सोचने के बाद ये आपके मन में और भी आइडियाज आए होंगे ब्रांड नेम सोचते कैसे हैं देन फाइनलाइज तो आपने बोला कि ब्रांड आइडेंटिटी से मिलता हुआ आपने किया आई थिंक uh, जब ऑलमोस्ट गॉड्स का हम नाम सोच रहे थे आई डोंट थिंक डों वाज एवर इंटेंशन टू बी लाइक एक ऐसा नाम सोचो जो स्केलेबल हो द रीजन हमने ऑलमोस्ट गॉड्स फाइनली चूज किया बिकॉज इट वॉज बहुत आर्टिस्टिकली बहुत फ्रीडम थी एक इमोशन था जिससे मैं बहुत रिलेट करता था मुझे ऑलवेज चाहिए था कि मेरे क्लोथ मुझे और मतलब वो पावर फील कराए यू नो आई वॉन्ट की अटेंशन अटेंशन हो बट नॉट फ्रॉम बैड थिंग आई अटेंशन थी पॉजिटिविटी यू नो आई फील लाइक इतनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिविटी अभी बट जब हम नाम सोच रहे थे तो यार दस बीस तीस कितने अलग अलग नाम सोचे आई थिंक जेनेरिक नाम्स थे uh, मैंने अपना नाम कभी नहीं कंसिडर किया बिकॉज I didn't think कि Dhruv खिलाना would be internationally scalable. Okay. I don't see single names today coming out as being internationally scalable. Like, those heritage names, थे सारे. जो नाम 100 साल पहले, 200 साल पहले. Dior हो गया या. Exactly. हाँ। Dior, Louis Vuitton. हाँ. Moschino, Fendi सारे लोगों के नाम थे. Okay. But ये पुराने नाम थे तो इनके history attached है. Exactly. तो उससे लोग attached होते हैं. Yes. और वो हिस्ट्री से वैल्यू निकलती है तो okay. ध्रुव so, अभी तो आपका इन्वेस्टमेंट किया, किया था एंड अभी जो कितने सारे फैशन डिजाइनर्स है आपको क्या लगता है कि कितने अमाउंट से शुरू हो सकता है See, बहुत बदल गया। uh, जब हमने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम जैसी चीज थी नहीं इस लेवल पे नहीं थी बट अब देखो तो सिचुएशन पूरी बदल गई है टू राइटफुली आप ब्रांड

या पूरा सारे ही कपड़े या पूरा लुक बनाना एक दो पीसेस से भी स्टार्ट कर सकते हो नहीं आई जस्ट थिंक दैट दिस इतनी एजुकेशनल मार्केट में आ गई इतनी एक्सेसिबिलिटी uh, हो गई थ्रू वेबसाइट्स तो पूरा गेम अब बदल गया लिटरली फॉर फ्री यू कैन स्टार्ट अ ब्रांड टुडे बट टू क्रिएट ब्रांड वैल्यू टू क्रिएट इमोशनल अपील एक सिंगल टी-शर्ट के प्रिंट में गेम अब वो है हां कि एक टी शर्ट तो दो सौ की भी मिलती है तो कोई दो हजार या पाँच हजार क्यों खर्च करे तो आई थिंक जैसे आपने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो मार्केट रिसर्च है वो सब कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू हो जाएगा बट आ, जो आपको दिमाग लगाना है या दिमाग ज्यादा पैसों से नहीं लगाना बट एक्चुअल uh, uh, दिमाग लगाना कि ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनेगी ब्रांड स्टोरी कैसे बनेगी वो स्टोरी पहुंचेगी कैसे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट हंड्रेड परसेंट ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए क्रिएटिव बिजनेस तो जिस जो आपके प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होगा जो आपके विजुअल कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट होगा एंड उसके बाद जो आप बोल रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेयरनेस इंडिया में अभी पूरा गेम अवेयरनेस का है. जो दिखता है बिकता है बात वही है ना एज मच एज यू कैन फाइंड गेट योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल

इंडियन फैंस कहाँ है किस चीज के लिए क्या ढूंढ रहे हैं hmm. जो इंस्टाग्राम से आज मिल जाता है गूगल से आज मिल जाता है मुझे लगता है इंस्टाग्राम अमेजोन से हम ये तो ढूंढ सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं कि इस टाइप का शर्ट चाहिए या ये मटेरियल का चाहिए लोगो चाहिए बट जो आप बोल रहे हैं इमोशन बैड आइडेंटिटी वो भी ये गूगल एमेजोन ये बता पाते हैं क्या आई डोंट थिंक इमोशन एग्जैक्टली बट एस्थेटिक्स बिल्कुल आप देख सकते हो कि एस्थेटिक्स दुनिया में क्या चल रही है एस्थेटिक्स का मतलब मतलब जो लुक होती है जो फील okay. होती है जो जो किसी ब्रांड की पर्टिकुलर स्टोरी टेलिंग होती है Uh, एक लिस्ट आती है लिस्ट डॉट कॉम पर हर साल कि 50 हॉटेस्ट ब्रांड्स कौन से हैं okay. अगर एट द बेस लेवल को जाकर देखें कि अभी के हॉटेस्ट ब्रांड्स क्या हैं जैसे बलेंसिया आ गया हो गया लोएवे हो गए उन ब्रांड्स की क्या स्टोरी टेलिंग है लोग कनेक्ट क्यों कर रहे हैं इस चीज़ में आप स्टडी करो ना आई थिंक इंस्टाग्राम के थ्रू वो ग्लोबल आर्बिट्राज वो इन्फॉर्मेशन बहुत मतलब आसानी से मिल सकती है ओके एंड देन यू कैन ऑल्सो सी कि इंडियन ऑडियंस को इसमें से क्या वो वैल्यू फुलफिल नहीं हो रहा इंडिया ऐसी ऑडियंस है जहाँ अभी फैशन इंडस्ट्री बेसिकली पहली बार स्टार्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट फैशन फैशन एज अ ग्लोबल प्रोडक्ट इससे पहले हम यहाँ कपड़े बेचते थे आज तक फैशन ने स्टोरी टेलिंग की नहीं एक दो लोग सबे साक्षी ने की होगी okay. you know, उसके आगे लोगों ने प्रोडक्ट बेचे हाँ. अब लोग आ रहे हैं जैसे गौरव गुप्ता ने मतलब अब इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है वो अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने विजुअल्स के थ्रू अपने मॉडल्स के थ्रू बट जो हमारी जनरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरिंग जो ब्लू ओशन स्पेस बोलते हैं बिजनेस में okay. कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि हमारा गेम फिफ्टी करोड हंड्रेड करोड टू हंड्रेड करोड का गेम नहीं है इंडिया में ऐसी चीज है कि हम ऐसी कम्युनिटी हम सारे ऐसे ब्रांड्स एक साथ स्टार्ट कर पाए जो सारे एक साथ, साथ एलिवेट हो पाए एंड इवेंचुअली इफ यू डू इट राइट कैन इंडियन मार्केट वी कैन बिकम ग्लोबल ब्रांड्स बट जैसे आपने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन uh, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनफैक्ट uh, जो बिजनेस है स्टार्टअप्स में काफी वीसीज भी ये है बोलते हैं कि अगर आपका एवरेज प्रोडक्ट और गुड डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप बिगर कंपनी बना दोगे देन गुड प्रोडक्ट एंड एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन बट आप देखोगे कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स इनके हंड्रेड ऑफ थाउजेंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं तो इनका तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बिल्ड है तो फिर ये क्यों एक सक्सेसफुल क्लोदिंग लाइन या फैशन लाइन नहीं बना पा रहे हैं जबकि ग्लोबली आई थिंक बन रहे हैं

जो इन्वेस्टर्स uh, है और या जो आप बोल रहे हो एवरेज प्रोडक्ट एट हाई वॉल्यूम दिस इज मास गेम अब मास गेम इंडिया में अगेन इट इज ओनली वर्थ इट इफ यू आर कॉस्ट कंपेटिटिव और इफ यू हैव अ वेरी लार्ज आई पी अटैच टू इट ओके यूट्यूबर्स अगर समझो आपके पांच मिलियन दस मिलियन फॉलोअर्स भी हो आप एस्पिरेशनल ना हो

Uh, थोड़े इमेजेस पिक्चर्स डाल देते हैं दैट इज़ इनफ वो इंपॉर्टेंट है या अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना इंपॉर्टेंट एक है कि uh, तुमने थोड़े फली कोड्स लिख दिए लोगो डाल दिया ये सब कर लिया ऐड चला दिया एक धनला ही है दूसरा ये जैसे आप बोल रहे हो कि स्टोरी होनी चाहिए आइडेंटिटी uh, होनी चाहिए सिंबल्स uh, होने चाहिए तो आर दिस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस या uh,

मैं अपनी स्टोरी टेलिंग बनाऊँ अपनी एक दुनिया बनाऊ जो लॉन्ग टर्म स्केल कर पाऊँ जिसका रिटर्न शायद आज ना आए दस साल बीस साल तीस साल में आए कि जनरेशन बिजनेस शायद सेटअप हो पाए देर इज नो रॉन्ग वे इट कम्स कम आपका ऑब्जेक्टिव क्या है okay. तो वो ऑब्जेक्टिव वो विजन शुरुआत में अलाइन करना बहुत, बहुत है इंटरेस्टिंग आजकल मुझे लगता है जितने यूट्यूबर्स हैं उतने फैशन ब्रांड्स भी खुल रहे हैं स्पेशली इंस्टाग्राम आने के बाद एंड हर दूसरा फैशन डिजाइनर ये सोचता है कि यार मैं अपना ब्रांड खोल देता हूँ एंड आई एम श्योर हर कोई क्रिएटिव तो होगा बट सिर्फ क्रिएटिविटी से बिजनेस नहीं चलता है तो ऐसे क्या तीन चार चीज़ें जो कि एक ब्रांड को ध्यान में रखना चाहिए अपना मतलब एक क्रिएटर को ध्यान में रखना चाहिए फैशन ब्रांड शुरू करने से पहले सी आई थिंक अगेन कम डाउन टू आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आपको बॉम्बे जाना है न्यूयॉर्क जाना है आप प्लेन को उस हिसाब से पॉइंट करोगे आई थिंक डे वन से वो

Body, मतलब नेक्स्ट स्टेप को छोड़ो आप जीरो टू ट्वेंटी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्टोरी टेलिंग डिजाइन जितना आप वहाँ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो दैट इज द हार्ट ऑफ योर बिजनेस नंबर टू आप कम्युनिकेट कैसे करते हो थ्रू योर ओन रिजल्स थ्रू आपके इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल्स इन्फ्लुएंसर कौन से इन्फ्लुएंसर्स के साथ

आप देख रहे हैं कि ऐसा रहे हैं इंटरेस्ट आ रहा है नो स्टार्ट करो वेबसाइट वे स्टार्ट करो नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू स्टार्टिंग ओनली फोकस इज जीरो टू ट्वेंटी करोड़ जब 20 करोड़ so, हो जाए एक टर्म है जो एमबीए स्कूल सिखाते हैं व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर करेक्ट जब तक बेसिक बिजनेस फंडामेंटल्स 24 तक सेट हो वो आपको 100% तक नहीं पहुंचाएंगे नहीं है जाता है मैंने स्टार्टिंग आई थिंक कीप इट वेरी सिंपल बेसिक ऑफ बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें कि आपका मूड क्या है आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो क्या ब्रांड आइडेंटिटी है उन सब चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके उसको फाइनलाइज करो बिफोर स्केलिंग uh, ये एक सवाल था कि ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर्स ये सब तो हेल्प करते हैं बट आई गेस अगर आपका कोई सेलिब्रिटी चाहे बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटी आपके कपड़े पहनते हैं तो एक वैलिडेशन भी मिलती है एक अवेयरनेस मिलती है 100%. वो काफी हेल्प करता है तो जो यंग डिजाइनर्स हैं आप हुँ. तो थोड़े तो स्टैब्लिश हो रहे हो यंग डिजाइनर्स कैसे सेलिब्रिटीज को रीच आउट कर सकते हैं कैसे उनके कपड़े भी ये सेलिब्रिटीज पहन सकते हैं

हम अच्छी चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं एंड आई थिंक वो जो आपका जो आपका डिजाइन लैंग्वेज है या वो है, वो मे भी uh, जो सेलिब्रिटीजिस्ट है, है उनको अट्रैक्ट करता है दैट इज बट ये तो चलो मे बी रणवीर या uh, uh, ये सब है, इन्होंने आप इनके स्टाइलिस्ट ने इंस्टा पे देखा होगा बट क्या बोल रहे की कहने वैसे जितने लेवल के सेलिब्रिटी भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही डिस्कवर कर लेते हैं आई थिंक जो जैसे कहने का एग्जाम्पल है ऐसे हुआ था जो सोडी एक्सपी का फेस्टिवल था उसके लिए हमें पिकअप किया गया और काने की टीम वहां थी तो उन लोगों ने वहाँ उठाया था okay. अब क्यों होम 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 हाँ, हुआ? होमग्राउंड हाँ। की वजह से हमारे इंस्टाग्राम पे अच्छा तो वो साइकिल आप चलाते जा रहे हो और वैल्यू देते जा रहे हो आपकी कम्युनिटी के लिए वैल्यू क्या है जैसे हमारे लिए इंडिया में प्रिंटेड पीसेस जिसमें इतनी आइडेंटिटी हो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो यूनिक वैल्यू बन गई थी जिसमें हम कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे थे डे इन डे आउट एंड स्टोरी टेलिंग को बड़ा करते जा रहे थे ओके अब नाउ जैसे ये पीस है भूमि ने अभी एक पीस भूमि पदनाकर करने एक पीस कॉजमो शूट के लिए पहना था अच्छा यू you नो know, तो अगर मैं चलते जाऊँ हर पीस की कहीं ना कहीं स्टोरी है ये, आ, कहा है ये पीस ये पीस हमने उर्फी जावेद के साथ डिजाइन किया था अच्छा एक अलग से डिजाइन किया था हाँ ओके एक फुल प्रोसेस था डर्टी मैगजीन करके क्षितिज कंकर जो इंडिया के सबसे बड़े स्टाइलिस्ट हैं अच्छा। उनके साथ उर्फी के साथ नायता श्रॉफ के साथ हमने ये, ये पीस डिजाइन किया था बट इसमें भी उन्होंने रीच आउट किया था उन्होंने रीच आउट किया था एंड आइडियली स्पीकिंग जैसे कि आपको लोग मोर अ मेंजुअल ब्रांड देखते हैं बट स्टिल उनको

बहुत केयरफुली क्यूरेट करते कि कौन से प्रिंट्स पहनेंगे

बाद में दिक्कत होती है तो ये जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से आती है कैसे एक नया डिजाइनर नए आइडिया सोच सकता है आप कैसे करते हो आई थिंक इंस्पिरेशन हर जगह से आ सकती है फॉर मी अगर मैं लेटली देखू वो इंस्पिरेशन भी चेंज होती रहती है uh, अगर मैं ये रॉक देखू ये वॉल्किनो का रॉक है अच्छा तो उसी लुक से नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं मुझे बहुत एक्साइटिंग लगते हैं ओके है okay. ना तो ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग थी जो हमारे क्लोज में हमने इन द पास्ट ली हुई है

जिस गराज में स्टीव जॉब्स ने एप्पल स्टार्ट किया था ओके okay.

फुल आई थिंक आई वुड से स्टीव जॉब से आती है क्योंकि जो आईफोन 2007 में पूरी दुनिया बदल गई था हां एंड एंड जो वो ये है कि जो फीचर्स हैं या प्रोसेसर है ये हर कोई कॉपी कर सकता है कि उनके हर किसी को एक्सेसिबल है बट जो डिजाइन लैंग्वेज है दैट इज व्हाट मेक्स कि एक 200 डॉलर का फोन एप्पल 1200 डॉलर में भी, भी बेच पा रहा है 100% इट्स 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 दैट इट्स ब्रांड

Like बट तो so अगर मैं इंस्पिरेशन को लेकर देखू फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसलेट कैसे करते हैं है सोचना की अगेन कंज्यूमर को क्या चाहिए ओके मैं बोलूँ

प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते थ्रू स्टोरीज थ्रू विजुअल्स जब तक आप टेस्ट नहीं कर पाओगे ना आपको नहीं पता तो कि अच्छा। है so volume, आप देख सकते हो कस्टमर्स को आपको ऑर्गेनिकली कस्टमर अच्छा ये चीज कर रहा हूँ अच्छा तो अभी जब आपने शुरू किया है मान लो आपको टेस्ट करना है कोई नया डिजाइन या न्यू फैब्रिक्स है तो यूजुअली कितने मतलब ऐसे दस पीस लॉन्च कर दिया कितने नंबर्स में लॉन्च करना होता है या कैसे आप करते हो अगर हम पहले बिजनेस के साल डेढ़ साल देखे हाँ तो हम बहुत ही लो टेस्टिंग कर रहे थे क्योंकि डर था हाँ

मार्केट में और कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं नहीं है hmm. तो कि, है है तो 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 अगर इतना ही 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 करो कि कि चीज चाहिए इनके पास जाओ या ऑप्शन ओके यू नो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन ऑफ सेइंग के लिए हाँ. uh, जब हम पहले कर रहे थे जैसे हमारी प्रिंटेड शर्ट्स हो अच्छा फॉर ऑलमोस्ट गॉट शर्ट्स इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लाइन मर्चेंडाइज लाइन है हमें नहीं पता था लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे हमने शर्ट्स पहले कभी नहीं की थे पहले दो कलेक्शन में अच्छा तो जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च की था आई रिमेम्बर हमने शर्ट तीन शर्ट्स निकाले थे सबके दस थे। दस दस पीस हाँ। okay, हाँ। में नए में मतलब थे हो रही थी, अच्छा लग रहा है ये अच्छे लग रहे हैं तो उसका दस के जगह नेक्स्ट राउंड में पचास कर दिया हमारे ऐसे पीस है जो अभी भी हम लिमिटेड प्रोडक्शन रन करते हैं

अगर यार एंड बाय चांस सोच लो दुनिया में हजार लोग के पास ये शर्ट है करेक्ट एंड बाय चांस आप पार्टी पे एक बंदे से मिलकर जिसके पास जिस शर्ट है इंस्टेंट कनेक्शन हो गई बिल्कुल बिल्कुल वो ह्यूमन आपने फिर स्टोरी टेलिंग लेवरेज की और कम्युनिटी और बड़ी हां 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 आई थिंक दैट्स व्हाट सो स्पेशल अबाउट द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रीट वेयर जो अब फैशन में मेनस्ट्रीम आ गया है ओके ओके हां वो इमोशनल हैक अगर आपके एक्सक्लूसिव कुछ रन में जा रहे हैं तो आपके लॉयल कस्टमर्स भी होंगे एंड वो वर्ड ऑफ ऑफ माउथ भी बढ़ाएंगे 100%. पर जो 10, 15, जो इनिशियल सेट कस्टमर्स है है वही वही कि नॉट योर फैमिली वो आप से लेके आए और लोग कहां से लेके ले आए ले क्योंकि हर दूसरे दिन तो ब्रांड लॉन्च हो रहा है ना तो इनिशियल जो सौ कस्टमर्स है वो कैसे एक यंग डिजाइनर ला सकता है न, आप कैसे लेके आए इंस्टाग्राम ओके आजकल इंस्टाग्राम इज द चीपेस्ट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एज यूजर्स हम सारे इंस्टाग्राम पे बैठे हैंज हाँ। देखो यार हम फोन पे सात आठ घंटे लगाते हैं और ज्यादातर अगर देखो इंडिया में तो रील रील पे तो नॉन स्टॉप हाँ। तो अगर अवेयरनेस दिखा रही है तो आप रील यूज करो इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन के डिफरेंट जो टूल सेट है वो यूज करो सारे फ्री है वहीं से प्राइस एंड उनको लगे कस्टमर एक्सपीरियंस जो है कम्फर्टेबल है उनके लिए

ऐसे लॉयलिस्ट है जो पूरी दुनिया को आपके बारे में बताएंगे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सबसे बढ़िया बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंस्टाग्राम वर्ड ऑफ माउथ बेसिकली स्केल्ड है ओके बट वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इज फंडामेंटल टू बिजनेस टुडे। हर कोई जो ब्रेड शुरू करता है वो सोचता है कि यार हम लग्जरी प्राइसिंग में बेचे ऑडियंस है, है उसकी भी एक दो परसेंट बट उनको रीच करने में दिक्कत होती है एंड अगेन शर्ट मिलती है दो हजार की आप पांच हजार में बेच रहे हो या हु भी तीन हजार में मिल जाएगी आई थिंक ये आपकी बारह या पंद्रह हजार की हुई है भिल्कुल. तो ये प्राइसिंग एक क्रिएटर कैसे फिगर आउट करता है कैसे टेस्ट करता है और आपने भी कैसे किया देखो जैसे आपने बोला ना इंडिया में जो इसका वन टू परसेंट का मार्केट है आई थिंक उससे थोड़ा बड़ा है बट अगर मैं वन परसेंट भी मान लू ना वो नंबर इंडिया में बहुत ही बड़ा है करेक्ट तो ड्रेसेबल जो टैम बोलते हैं टोटल ड्रेसेबल मार्केट है इस प्रोडक्ट के लिए हाँ क्वेश्चन ऑफ इसको इनको पॉजिटिव कैसे है आई वुड अगेन से जॉब start कर रहे हो Instagram is the best way but India में आपको अब justify करना पड़ता है क्योंकि वो fashion market की understanding नहीं है हाँ तो justify कैसे करते हो किल एक्सपीरियंस ऐसे और लोग समझ आते हैं कि अच्छा इसमें value है product में value है brand में value है experience में value है एक्जैक्टली exactly. um, so आप करते कि मुझे कौन सी market से बात करनी है मुझे high end से बात करनी है low end से और ये कैसे बात चलता है हर कोई तो चाहेगा मैं लग्जरी ब्रांड बनाऊं बट लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए आपको इतनी वैल्यू डिलीवर करनी पड़ेगी हाँ तो आपको भी सोचना कि यार मैं बस ऐसे नहीं कर सकते कि कोई टी शर्ट बनाकर पाँच हजार रुपये की बेच दो तो। हाँ पाँच हजार रुपये के पीछे बहुत लॉजिक होगी उस तो प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए उसका वो स्टेटस सिम्बल होना चाहिए ब्रांड वैल्यू आनी चाहिए उसमें आई थिंक प्रोडक्ट में सोच होनी चाहिए कि अगर बंदा कुछ खरीदे ना वो स्पेशल फीलिंग कैसे ला ओके कि नॉट ओनली कि मुझे स्पेशल लगे मुझे स्पेशल लगे कि यार जब अन्नब को स्पेशल लगे

इंडिया इज द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट फॉर सेकेंड हैंड थर्ड हैंड प्रोडक्ट ओके जो ओल्ड टी शर्ट शर्ट मतलब सरोजनी ऐसे मार्केट में भरा पड़ा है माल है uh -huh. ना और वो एक्चुअली मार्केट इंडिया में फुली इलीगल है ओके okay. uh, तो उस गेम में वो एक प्रॉब्लम है दूसरी प्रॉब्लम है कि जब तक कॉस्ट एडवांटेज नहीं आ, हाँ। उस गेम में मतलब आपके हाँ। सर बहुत है बिल्कुल अगर आपके प्रॉफिट ही नहीं बने तो नथिंग एल्स वर्क्स है आपका स्टोरी टेलिंग करनी कुछ भी करना उसमें पैसा तो लगना है बिल्कुल, तो अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो एक सर्टन टाइम फ्रेम में बिल्कुल, uh, हाँ, uh, और जो लास्ट आई थिंक जो इस प्राइस पॉइंट में ना आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज़ ये लॉन्ग टर्म गेम है ओके okay. अगर जो यहाँ हम थोड़े प्रॉफिट्स बनाते हैं वी कैन गेट री इन्वेस्ट इन कस्टमर यू कैन री इन्वेस्ट इन ब्रांड एक्सपीरियंस एंड अगेन हमारा पेआउट आज कल परसों का नहीं है हमारा एक लॉन्ग टर्म गेम तो से दस साल बीस साल तीस साल में आप कितनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हो जो आप एट दैट पॉइंट या तो एग्जिट करना चाहो या फिर लेवरेज करना चाहो फॉर मर्चेंडाइज़ तब आप कर सकते हो। ओके, तो आपने आई थिंक ये डिसाइड किया कि मास uh, मार्केट में ऑफकोर्स देयर इज नो एडवांटेज देयर इज अ बिग लक्जरी मार्केट तो ये जो मिड लक्जरी मार्केट है इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है तो इसमें आपने डिसाइड किया कि मे बी 5000 टू 25000 की रेंज पे हम uh, काम करेंगे एंड अभी आपकी ब्रांड uh, स्टोरी ये सब काफी है ब्रांड स्टोरी ब्रांड एक्सपीरियंस है बट जब आपने इनिशियल अपना फर्स्ट प्रोडक्शन लाइन निकाला होगा तो तब भी आपने ऐसा बोला कि आपकी पांच हजार की शर्ट थी तो तब आपने कैसे किया था वो इंस्टाग्राम के थ्रू

सो इन एटी डॉलर से स्टार्ट करते हैं मतलब दस साल में आप अपना प्रोडक्ट प्राइस भी बढ़ा सकते हो क्योंकि okay. आप वैल्यू भी बढ़ा रहे हो आप स्टोरी कम्युनिटी बढ़ा रहे हो अब बहुत फैक्टर्स होते हैं सो हाँ. so, uh, हमने वहाँ से स्टार्ट की बट देन ऑब्वियसली एक मार्केट टेस्ट में देखा जाए फाइव थाउजेंड या फोर थाउजेंड पे

मतलब तैतीस चौतीस हज़ार फॉलोअर्स हैं दस प्लस की सेल हो रही है इसमें हर कोई इंसान भी खरीदता है तो तीन हजार रुपये का प्रोडक्ट होता है जो कि खरीदता नहीं होगा बट सवाल ये कि इतने कम फॉलोअर्स हैं इतने ज़्यादा आपकी सेल हो रही है तो ये लॉयल कम्युनिटी बनाई कैसे क्योंकि इंडिया में इतने ब्रांड्स हैं एंड कुछ ही ब्रांड्स के पास वो लॉयल्टी है मे बी टाटा के पास होगी मे बी कोई मर्सिडीज इन सब के पास होगी तो एक अपकमिंग ब्रांड इंस्टाग्राम में शुरू होता है वो लॉयल्टी इनिशियल सौ हजार कस्टमर्स की कैसे बनाता है आई थिंक uh, ये एक सेप्शन है कि जो कम्युनिटी है वो कस्टमर्स है कस्टमर्स okay. दो अलग चीजें ओवरलैप okay. कर सकते हैं hmm. अब ऐसे हो सकता है कि जो हमारे सबसे एक्चुअली रियलिटी में कि हमारे दो चार जो सबसे बिगेस्ट कस्टमर्स है वो ऑल्सो पार्टर कम्युनिटी के हैं बट कम्युनिटी होती क्या है रियलिस्टिकली हाँ. देखो ये जो वर्ड बड़ा से कर हर जगह बोलते हैं कि कम्युनिटी कम्युनिटी वेरी सिंपली तुम इंसान हो तुम्हारे दोस्त है hmm. मैं लोग लो, मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगता है मुझे तुम पसंद हो वैसे ही लोगों को हमारा काम पसंद है हमारे के साथ मतलब हमारी पर्सनालिटीज पसंद है इंडिविजुअल जो हमारी टीम में लोग हैं ऑलमोस्ट गॉड्स की पर्सनालिटी पसंद है mm -hmm. उन्हें इंटरेस्ट है हमारे काम में हमें इंटरेस्ट है कि वो लोग क्या कर रहे हैं अब वो ये ना यार मैंने कुछ क्रिएट किया मैंने एक प्रोडक्ट बनाया मैं चाहता हूँ कि इसका वीडियो बने या मैंने mm -hmm. मुझे चाहता हूँ उसकी फोटो शूट हो तो मैंने रीच आउट किया यार मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है शुभम लोधा करके इनक्रेडिबल फिल्म फोटोग्राफर है मैं चाहता हूँ कि यार

ये है हमारा एक टेम्पलर ईगल अगेन बहुत बॉन्ड सिंबल है हमारे ब्रांड के लिए तो लोग ये मेमोरेबल है वो कनेक्शन के हिसाब से लेते हैं अच्छा ये सेल भी होता है ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट है ओके okay, ओके okay. तो आइडियली वैसे अगर इंसान सोचेगा कि यार एक क्लोथिंग ब्रांड का क्या लेना देना है स्केटबोर्ड से बट आप एक क्लोथिंग ब्रांड नहीं बना रहे आप एक जैसे आपने बोला कि

अच्छा तो एक वर्ड है फैशन की इंडस्ट्री में जो डिफ्यूजन ब्रांड्स बोलते हैं ओके तो जैसे ब्रांड एक ब्रांड है मॉस्किनो ओके बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है अच्छा तो उन्होंने मॉस्किनो ब्रांड मतलब अब हो गए होंगे सौ साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू है बहुत बड़ा ब्रांड है

हाँ, और वो एक इजी वे है कम्युनिटी में इंटर करने का जैसे फरारी ने अपनी अलग से पूरी क्लोथिंग लाइन डिज़ाइनर हायर करके शुरू किया वो कि की uh, गाड़ियाँ तो सिर्फ मेल्स uh, मतलब अमीर मेल खरीद पाएंगे बट क्लोथिंग वुमेन चिल्ड्रन सब खरीद पाएंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग्जाम्पल बट सबसे स्ट्रांग एग्जांपल इसका है हाली डेविडसन दुनिया की स्ट्रॉगेस्ट अमंग द रिटेल ब्रांड वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट ब्रांड वैल्यूज है

बट स्टिल भी क्योंकि उन्होंने वो एक कल्ट एक ट्राइब बनाया है दे आर एबल टू सेल एट अ हाई प्राइस विद हाई मार्जिन एंड इतने कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स उस फील्ड में आने की कोशिश करते हैं वो क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा जो आई थिंक जो कंज्यूमर पैसा दे रहे हैं वो एक्सपीरियंस कम्युनिटी उन सारी इमोशन का बिल्कुल हाँ क्या है चांस ही नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल फुट होल रॉयल एनफील्ड एंड फिर आप वो कम्युनिटी इवेंट है उसके थ्रू और That's उस पर डबल डाउन भी कर रहे हैं की आपका तो चलो अब ब्रांड काफी ग्रो हो गया बट बहुत सारे यंग फैशन डिजाइनर्स है अभी फैशन स्कूल से पास आउट है इंटरेस्ट है कई लाखों रुपए लग जाते हैं एक ब्रांड इनिशियल सेटअप करने में बिल्कुल आ, देखो, स्टार्ट करने में कोई भी स्टार्ट कर सकता है आज इंस्टाग्राम वेबसाइट इन सारी के थ्रू मतलब कॉस्ट इतनी मिनिमाइज हो गई है शूट करने फोन से शूट कर लो प्रोडक्ट

सौ मीटर में इसकी आपकी मतलब हाँ। तो अगर ऐसे आपको मिल जाएं, तो इंटरनेट पे और मैसेज करते कि हाँ। ये कनेक्ट करा इकोनॉमिकल वे टू स्टार्ट प्रोडक्शन ओके तो ये, ये जो आपने बोला सो मीटर की फैब्रिक कितनी कॉस्ट करती होगी अगर आप बेस लेवल से स्टार्ट करो हाँ। तो करीबन थर्टी थाउजेंड रुपीज में वो रोल फैब्रिक कवर हो जाता है ये आप कॉटन की बात कर रहे हैं मैं कॉटन की बात कर रहा, रहा हूँ okay. बट

10 to रुपीज में एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों को प्रोडक्ट भेजो अच्छा लोगों को प्रोडक्ट दिखाओ लोग मतलब ये जो जिस मार्केट को आप टारगेट करना चाहते हो उन लोगों ये नहीं की दोस्त यार हंड्रेड परसेंट दो, दोस्त यार भी इम्पोर्टेंट है हाँ। वो आपके लिए ऑलवेज सपोर्ट बने हाँ, वो, वो हमेशा positive वो always positive बोले। हाँ, बट जो KOLs है, हाँ, K opinion leaders, अच्छा उन में में आप लोगों से connect करो ओके। ऐसे product करो ऐसे मत भेजो पहले कि आपके बारे में ये अच्छा लगा मैं ये कर रहा हूँ क्या मैं कर सकता हूँ रिलेशनशिप बनाओ हाँ, आज कल शाम को बैठकर इंस्टाग्राम पे दस मैसेज भेजना फ्री है जब हम ऑलमोस्ट गॉट स्टार्ट कर रहे थे तो

उसने आया कभी नहीं किया। okay. छह महीने बाद मैंने एक और मैसेज भेजा। uh. बादशाह फाइनली really so uh. uh. no uh. okay. जब ये स्टोर ओपन हुआ मैंने बादशाह को मैसेजा आई एम सो सॉरी आई एम बॉदरिंग यू अगेन बट इट वुड बी ऑनर इफ यू कम एंड दिसम उसने रिप्लाई किया

से रिलेट कर पाएंगे उनको रीच आउट करोगे बट आई थिंक इवेंट्स में भी ऐसे लोगों से आप मिल सकते शादी में, uh, में भी ऐसे uh, लोग जाए हंड्रेड परसेंट आई दैट इंडिया में तो अब ऐसी मैं हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई इवेंट हो रहा है ओके okay. एंड ये हमको पता कैसे अच्छा कोई एग्जाम्पल अच्छे इंस्टाग्राम पे आप लिखो हैश टैग स्ट्रीट वेयर इंडिया Okay. स्ट्रीट ऐसे मतलब से सर्च करो हाँ गूगल इंस्टाग्राम से चीजें ना क्या टूल मतलब जो जाओ सब कुछ मिल जाएगा अच्छा या? अब वहां जाकर जुगाड़ करें करो यार हाँ। अपनी टी शर्ट अपने दस दोस्तों के साथ जाओ टी शर्ट पहनो अपनी हाँ। लोग हाँ वो गुरने पहली बार ये जो आ, एसाप रॉकी की टीम को पकड़ा था इवेंट पे दुबई की बातेंट हाँ हमारे दस मेरे दस दोस्त स्टिकर दे रहे थे लोगो को अच्छा एक बंदा मिलेंगे आओ यार

Uh, फिर है गोट करके uh, फिर होम बहुत बड़ा होम ने आप स्ट्रीट वेयर के स्पेस के बाहर भी जा सकते हो करेक्ट आर्ट कम्युनिटीज में हमारा स्ट्रीट वेयर का बहुत मतलब ओवरलैप है. तो है, है तो वहाँ कम्युनिटीज ओवरलैप होती है सेम कस्टमर बेस आते हैं तो अगेन वहां जाकर एड्स चला दो इवेंट पे बिल्कुल एंड आई एम श्योर जैसे कि होम लोन उन, उनके वेबसाइट है वहां पे आप आर्टिकल्स पढ़ोगे वहां पे आपको पता चलेगा न्यू ब्रांड्स क्या आ रहे हैं न्यू ब्रांड्स क्या कर रहे हैं न्यू स्टोर ओपनिंग्स क्या वहां पे जाके आप और लोगों से मिल पाओगे एंड देन यू विल रियलाइज कि यार पल्स ऑफ द पल्स ऑन द स्ट्रीट क्या है exactly. क्या लोग ढूंढ रहे हैं क्या लोग बिक रहे हैं हा, बस हा। वो अगर लगाओ ना, ना, जो भी कोई फैशन ब्रांड या कुछ करने का सोचता है वो ये सोचता है कि यार मैं एक और टी शर्ट निकाल लेता हूँ बट टी शर्ट मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हर दिन नए ब्रांड्स आ रहे हैं बट क्या कोई और भी चीज है जिससे एक ब्रांड लॉन्च हो सकता है जिसमें मे वो अपने आपको डिफ्रेंशियट भी कर पाए कॉस्ट भी उतनी ना लगे बिल्कुल आई थिंक टी शर्ट ब्रांड बहुत ज्यादा है आई थिंक फ्रॉम डे वन हम बहुत थे कि हमें टी शर्ट ब्रांड नहीं बनना हमें फैशन ब्रांड बनना है हमें स्ट्रीट वेयर ब्रांड बनना है और वो स्ट्रीट वैक का लाइफ स्टाइल ओवरऑल कैप्चर करना है बट आई थिंक राइट नाउ स्ट्रीट वैक की कैटेगरी में देखो ना अगर ये भी पकड़ो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है ओके जैसे स्नीकर एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रीट वेयर कैप्स एक्सेसरीज बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्ट्रीट वेयर इंडिया में मार्केट डायरेक्टली कोई केटर नहीं कर रहा हाँ ऐसे कैप वाले ब्रांड्स होंगे नहीं या होंगे तो एक दो ही होंगे बिल्कुल तो okay. जैसे ऐसे मार्केट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जो अनकेटर वो एज बिज़नेस हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कस्टमर की डिमांड है

इनिशियल हाँ। इन्वेस्टमेंट आपने बोला बीस तीस हजार है इसमें और भी कम होती तो है और भी कम होगी इसमें आई थिंक दस पंद्रह हजार में होगा एंड आई एम अज्यूमिंग इसमें मार्जिन भी, भी।, 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 भी ज्यादा होते होंगे

नाउ इनमें ये ऐसे ब्रांड बिजनेस है जो ऊपर नीचे जाते हैं बहुत ओके okay. अपने पीक पे बहुत मार्जिंस होते हैं क्योंकि स्केल इतना रीच हो जाती है उनकी कि उनकी ओवरहेड्स बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड मार्केटिंग वो सारे बहुत मतलब वो उनकी मार्केटिंग ऑन अ लोअर पार्ट से 6% होगी बट एट पीक वुड बी ओनली 2% अच्छा है ना ऑफ ऑफ देयर टोटल स्पेंड अच्छा तो वो मतलब वो अब्जॉर्ब जाता है बट वो बिजनेस बहुत अप एंड डाउन चलता है ओके okay. अगर प्रीमियम ब्रांड देखो प्रीमियम ब्रांड्स काफी कंसिस्टेंट चलते हैं ah. उनका लाइफ स्पैन उनका शेल्फ लाइन स्पैन काफी लॉन्ग होता है अच्छा। तो उसमें आई वुड से कंसिस्टेंटली 50 टू 70 परसेंट इज पॉसिबल ये आप मिड uh, लग्जरी वाले सेगमेंट मिड लग्जरी सेगमेंट ओके okay. टॉप वाले तो वो भी ऐसे टू एक्स थ्री एक्स मार्जिन रखते होंगे उनकी गुड में 2 थ्री एक्स चलते हैं फिर हाँ। उनके वापस बहुत गिरते हैं अच्छा प्राइस भी उनको गिराने पड़ते हैं बिल्कुल ओके okay. क्योंकि उसमें लोग थक जाते हैं एक ही चीज हाँ, हाँ 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 एंड उसकी मार्केट भी लिमिटेड है तो इतनी रीच होगी तो फिर उनको कुछ अलग करना पड़ेगा एंड जो ये जो मास मार्केट ब्रांड है चाहे वो आपका बेवकूफ सोल्ड स्टोर हो या आपका हाँ। मे बी एच एन एम टाइप्स हो इनमें कितना मार्जिन अप्रोक्स रहता होगा जो मास मार्केट में ऑपरेट करते हैं करता है बेवकूफ इनका मॉडल एच एन एफ से अलग है अच्छा एच एन एम बहुत ही एच एम यूनिक्लोज आ रहा है मुझे ये तीन ब्रांड बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं जो भी मॉल जाओ हाँ हर अच्छे मॉल में ये ये तीनों ब्रांड होते हैं ये रेंट नहीं देते Oh. ये एक परसेंटेज पे काम करते हैं मॉल्स के साथ अरे जीरो जीरो रेंट रेंट ओके okay. क्योंकि वो इतना फुटफॉल ड्राइव करते हैं हाँ, तो चाहते हाँ. तो हैं कि एक एक जारा खुल जाए हाँ. ये वो वो उनकी मार्जिन बहुत ही अलग है बिकॉज उनकी मैनुफेक्चरिंग एट एट ह्यूज स्केल अगर उनका बेसिक जो कॉस्ट

एंड हाँ uh, तो ये एंड जो दूसरे मे बी सोल्ड शोर बेवकूफ या जो मास मांग या फिर जो ग्राफिक कंपनीज इतने सारे शुरू ये कितने मार्जिन पे ऑपरेट करते होंगे टेन ट्वेंटी परसेंट क्योंकि इनका मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा होता बिल्कुल। है बिल्कुल मार्केटिंग बजट बहुत ज्यादा है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाता है हाँ। गुड्स में हाँ। हाँ। आम,

कॉपी मत करो करेक्ट यू नो हाँ क्योंकि अगर आप किसी को कॉपी करते हो आप उससे बेटर तो हो नहीं सकते यू माइट एज वेल बी योरसेल्फ एंड बी द बेस्ट वर्जन हंड्रेड परसेंट हाँ सबसे स्टील करो हाँ ग्रेट आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट यस गुड आर्टिस्ट गुड आर्टिस्ट कॉपी ग्रेट आर्टिस्ट स्टील यस हाँ ना सो वही बात है कि आई थिंक सब तुम स्मार्टली स्टील करो और अपने कॉन्टेक्ट में डालो ये वो जो जिकार्ड था वो मैंने अपनी दादी से जो स्टील किया था अपने कॉन्टेक्ट में डाल करो एंड आई थिंक वही चीज है क्रिएटिविटी इज नॉट की नई चीज बनाना हाँ सब कुछ बन गया हाँ उसको नए वे में प्रेजेंट करना विद अ स्टोरी एंड वो और ये जैसे कि अभी जैसे मोस्टली जैसे फैशन या क्लोथिंग में देखते हैं लोग यही सोचते हैं कि मोस्टली जो वेडिंग बिजनेस है वो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि लग्जरी आइटम्स होते हैं काफी मार्जिन होते हैं ऐसे आप और भी देखते हैं कुछ मार्केट जो कि काफी पोटेंशियल है इन फ्यूचर बिल्कुल आई थिंक बिकॉज इंडिया में जो लग्जरी स्पेंडिंग होती है ज़्यादातर अराउंड फैशन वो सारा अराउंड वेडिंग सीजन होती है विच इज़ वाई वो इतना इंटरलिंक हो गया बट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इंटरनेट अब हम बेसिकली देख रहे हैं कि दुनिया में लोग फैशन पे कैसे स्पेंड करते हैं दुनिया में लोग फैशन कैसे कंज्यूम करते हैं इसलिए रेडी टू तो वे ब्रांड जैसे जो हम कर रहे हैं सिंपल टी शर्ट स्वेट शर्ट्स जैसे सिल्वेट्स हैं बट हम अपना ब्रांड और इतना आर्टिस्टिक वैल्यू ऐड करते हैं तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है फैशन uh, में आर्टिस्ट आर एक पूरी फील्ड है जो जस्ट फैशन के लिए आर्ट क्रिएट करते हैं। फैशन के लिए आर्ट मतलब जैसे आपके स्वेटशर्ट के लिए okay. ये जो ग्राफिक बना है ओके okay, ओके। okay. टेक्सटाइल डिजाइनर्स है ओके okay, ओके okay. तो

बहुत मुश्किल है उसको लॉन्ग टर्म लेवरेज करना बिकॉज ये बिल्कुल हाई पे हाँ, कर रहे हैं क्योंकि उनको अवेयरनेस तो इतनी ज्यादा मिल गई बट वो ब्रांड आइडेंटिटी और वो सब जो टाइम लगता है कि

Uh, तो ऐसे ब्रांड्स है लोरो पियाना रो जो मतलब सालों से चलते आ रहे हैं इन लोगों के लिए ओके okay. अब एक फैशन में ट्रेंड बना और लोगों को क्वाइट लग्जरी पहली बार टर्म लगा है बिकॉज थोड़े शो सक्सेशन करके इन लोगों ने ज्यादा प्रमोट कर दिया अच्छा तो उसके हिसाब से फिर मार्केट भी दो मिनट के लिए सोच रही थी अच्छा क्वाइट लग्जरी क्वाइट लग्जरी okay. बट है नहीं ये प्रोडक्ट्स उनके लिए है नहीं पर्चे पावर के बाहर है जिस सेगमेंट के लिए ये कंटिन्यू करेंगे वो उनके लिए ट्रेंड नहीं है उनके लिए लाइफ है बट जो रेस्ट मार्केट में क्रेज बन गया था थोड़ी दिनों के लिए वो आई थिंक डाई डाउन हो गया ब्रांड आइडेंटिटी कैसे चूज करें क्योंकि आजकल हर मुझे जितने यूट्यूब हर कोई इंस्टाग्राम में ब्रांड खोल रहा है तो ब्रांड आइडेंटिटी होती क्या है एंड कैसे हम चूज करते हैं क्या जो आपको पसंद है वैसे ही चूज हो जाता है या कोई तरीका होता brand identity think, uh, uh, brand identity है ब्रांड आइडेंटिटी चूज करने में आई थिंक दो चीजें ब्रांड आइडेंटिटी में इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंड ऑफ द डे जो आर्ट बेच रहे हो जो फैशन बेच रहे आप इमोशनल प्रोडक्ट बेच रहे हो या तो आप मास गेम में खेलो जहाँ इमोशन लेस इंपॉर्टेंट हो बट आई थिंक अनलेस आपका बहुत ही लार्ज कॉस्ट एडवांटेज है आप उसमें जाओ मत आई थिंक अगर आप मास खेल में खेलोगे तो इट्स मोर ऑफ अ लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो क्या कहते हैं बिजनेस। अगर मैं दूसरी साइड से देखूँ आप प्रीमियम गेम खेलो लग्जरी गेम खेलो नॉट ओनली डू योर कस्टमर वैल्यू योर प्रोडक्ट मोर बट आप उतनी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हो आप उतनाट कर सकते हो अगर हम यही प्रोडक्ट समझो लेस कॉस्ट में डिवेलप करते हैं तो हम कम्युनिटी के लिए ऐसा स्पेस नहीं मिला पा करेक्ट यू नो एंड अगर देखो ये स्पेस अब क्या दो तीन हफ्ते हुए यहाँ हमने ऑलरेडी एक काफी बड़ी पार्टी की थी पाँच सौ छे सौ लोग आए थे आई थिंक इंडिया के सबसे क्रिएटिव लोग यार उस कमरे में थे उस रात आप बिल्कुल तो देखा था बिल्कुल उसके बाद हमने एक अभी एक आर्टिस्टिक पीस प्लान कर रहे हैं जो उस नीच में जाएगा okay. आ, इंडिया आर्ट फेयर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये सारे आप डेवलप कर रहे हैं रिलेशनशिप्स एंड अगर वो वैल्यू अगर वो पैसा नहीं है इन चीजों पे स्पेंड करने के लिए आप एक्चुअली वैल्यू नहीं दे सकते हैं इंटरेस्टिंग तो ये जो जो ब्रांड आइडेंटिटी वाला था कि आपने बोला कि एक इमोशन से जो फाउंडर रिलेट करता है को क्या चाहिए कंज्यूमर्स के लिए लैकिंग क्या है अच्छा दोनों को जहां दोनों मिलते हैं आई फील लाइक यू कैन हैव एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट जो एक्चुअली लोगों को वैल्यू दे सके तो आ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने ये भी बताया कि ब्रांड आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है बट सवाल ये होता है कि आप नया ब्रांड एक डिजाइनर शुरू करता है वो अपना ब्रांड आइडेंटिटी बनाए कैसे अब सुप्रीम तो इतना बड़ा बन इतनी गया इतनी हिस्ट्री है बट न्यू डिजाइनर या जब आपने भी शुरू किया था वो ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप कैसे करें देखो आई थिंक एज मच एज यू कैन फोर्स कर सकते हो आपको देखना है कि कम्युनिटी को क्या चाहिए एंड ऑफ द डे आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो जो बिजनेस बना रहे हो आप कम्युनिटी के लिए बना रहे हो जब तक आप वैल्यू डिलीवर नहीं करोगे लोगों को तो आपको कुछ नहीं मिलेगा तो पहले हमको एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी नहीं आपको देखना कि आपके जो कम्युनिटी है बिजनेस कंज्यूमर्स है उनको उनके लिए मिसिंग क्या है ओके okay, ओके okay. अगर मैं सुप्रीम का एग्जाम्पल पकड़ता हूँ उनके लिए था कि देव अ प्लेस कि आप वो स्केट बोर्ड के बारे में बात कर पाए अच्छा फिर देखा कि अच्छा स्केटबोर्ड गैदर हुए हैं एक सिंपल सा स्केटबोर्ड शॉप स्टार्ट किया स्केटबोर्डर्स का स्थेटिक क्या होता है उनका लुक क्या होता है वो क्या बात करते हैं वो स्टिकर्स लगाते हैं ग्रफिटी करते हैं हिप हॉप सुनते हैं अच्छा माँ से एक आइडेंटिटी निकली ओके okay. इनका बिलीफ सिस्टम निकला hmm. फिर एप्पल में देखो जब एप्पल ने स्टार्ट किया उनका फंडामेंटल लॉजिक था कि सिंपलिसिटी एक बिलीफ सिस्टम से स्टार्ट किया लोगों ने मार्केट में जो कंप्यूटर से डरावनी चीज़ें थी एट द टाइम बहुत कॉम्प्लेक्स दिखती थी बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब नॉर्मल कंज्यूमर डर जाते थे कि भाई मेरे घर में तो कंप्यूटर आ ही नहीं सकता तो एप्पल ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की एंड दिसड नहीं कंप्यूटर ये चीज़ नहीं हो सकती वो कंप्यूटर सिंपल खुशी वाली चीज़ भी हो सकती है उसको फिर लेवरेज करके एप्पल ने बोला कि एज सिंपलिसिटी इज हार्ट ऑफ आर आइडेंटिटी सिंपलिसिटी को हम दस्त तरीके से कैसे दिखा पाए सिमिलरली ऑलमोस्ट गॉड्स हमारा फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम है कि सेंस ऑफ पावर क्रिएट करने बंदे में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आई एम ऑलमोस्ट गॉड

तो हमने एक स्कल्पचर बनाया है एक आर्टिस्ट के साथ विकास काल रहा ओके okay. और ये पूरा स्कल्पचर ब्रॉन्ज में है अच्छा तो ब्रॉन्स कॉपर ऐसे जो रिच मटेरियल्स हो मटीरियलो एंड you know, जब आप देखो ना इस हमने बहुत कॉन्शियसली सिंबल को वेट भी दिया okay. तो ये तो वही है जो अभी आपने दिखाया बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिंबल अल्फा अल्फा क्रॉस ओके okay. तो वही चीज है एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो गई सिंबल की ये पावरफुल है अच्छा यू नो एंड देन अगेन वो एक प्रोडक्ट में ट्रांसलेटर है फिर बहुत सारे सिंबल है जो हमारा लोगो है

Hmm. You know, तो वो सबकॉन्शियस चीज है जो हम रजिस्टर नहीं करते बट कहीं ना कहीं हमें अच्छा समझ आता है। हाँ, वो eventually, uh, relate कर पाते हैं। uh, uh, खरीदेंगे, uh, like कि मैं uh, when I buy, maybe almost got, इस स्टोरी इस, टेलिंग uh, से रिलेट करता हूँ दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर चाहे एप्पल के लिए मे बी जो डिजाइन पे वाले बंदे होते हैं या जो अंडरडॉग बंदे होते हैं क्योंकि उन्होंने बनाया तो एप्पल के वो

आपको सिल्क लुक देनी जो बहुत रिच लुक होती है आपको थोड़ी सस्ती पॉलिएस्टर देनी देने जिसको कॉस्ट भी कम हो और कंज्यूमर मतलब ज्यादा मतलब प्रिंट्स ऑफर कर पाओ okay. आप कॉटन जो बहुत ब्रीजेबल है तो एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग पे एंड कंजम्पशन पे आई थिंक आपका, आपका विजन क्या है आप कौन सा से टारगेट सेगमेंट को आ, करना चाहते हो इन दोनों चीजों पे मोस्टली डिपेंड करता है yes. तो एनी स्पेसिफिक बिल्कुल हम खादी जब इतना में, में प्रमोट हो रहा है उसके अराउंड हम ब्रांड्स नहीं देखते क्या वो मुश्किल है बनाना उस पे या ऐसा कुछ नहीं मुश्किल तो नहीं है ब्रांड्स कर रहे हैं बट एक्चुअली वॉट्स वेरी इंटरेस्टिंग वो ब्रांड्स इंटरनेशनल टारगेट कर रहे हैं ओके तो एक ब्रांड है करू रिसर्च करके हाँ। वो लोग खादी में बहुत काम करते हैं बट इंडिया में तो बेचते नहीं बिल्कुल बस सारे इंटरनेशनल है नहीं बट इंडिया में ही मार्केट नहीं क्योंकि खादी का अवेयरनेस इतना बन रहा है बट इंडिया में देखो फैब इंडिया जैसे प्लेयर्स या लोकी जैसे प्लेयर्स तो है हाँ हाँ हाँ। नो, तो

बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्ट ऑफ फैशन में एग्जिस्ट करते हैं okay. वो प्रोडक्ट बेचते हैं उनका ब्रांड नेम है बट वो ब्रांड सेकेंडरी चीज है जो परचेज करने जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है जब आप एच एम जा रहे जाते हो नए हाँ। आप डिजाइन चूज करते हो हाँ। आप ब्रांड लॉयल्टी के हिसाब से नहीं चाह रहे करेक्ट आई थिंक अनिता डोंगरे और ऐसे ब्रांड्स का भी सिमिलर है कि यस देर इज एन ऑडियंस बट जो कंजम्पन डिसीजन हो रही है जो परचेज डिसीजन हो रही है वो है डिजाइन बेसिस पे ओके विच आई थिंक बहुत हिट और मिस प्रोसेस होता है एंड उसकी लॉन्ग टाइम वैल्यू नहीं होती ओके आई थिंक इट्स डिफिकल्ट बिकॉज वो एक स्टाइल से अडेप्ट हो जाते हैं फिर रिट्रेट और चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड उनको भी आई थिंक देखना पड़ता होगा कि अब मार्केट में तो इस टाइप से तो क्या ये जो अभिनव मिश्रा ये सब भी करते हैं वो भी सिमिलर चीज में आते हैं या वो भी अगेन

हमारी इंडस्ट्री में अल, अलग है आप, आप ब्रांड लॉयल्टी के साथ से चूज ब्रांड यू एंड फिर उसके अंदर प्रोडक्ट डिसीजन इंटरेस्टिंग एंड आई गेस आप बूटस्ट्रैप भी हो yes. तो सवाल ये आता है कि आपको ये आइडिया आया कहां से फिर आपने कहां से लिया क्योंकि ये है? Uh, तो जब मैं कॉलेज में था मैं कॉलेज अमेरिका में गया था तो वहाँ ट्वेंटी फोर्टीन ट्वेंटी का बहुत क्रेज लगा था, okay. बिल्कुल। था। आ, तो वो कल्चर जब मैं कॉलेज से आया, कल्चर ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड आई थॉट कि वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी जब भी मैं पार्टी पे जाता था एक बंदे के स्निक देखकर हम फुल मतलब फुल पार्टी ऐसे निकाल सकते थे कनेक्शन हो रहे थे मेरे नई फ्रेंड्स ऐसे बन रहे थे तो इतनी स्पेशल चीज थी थोड़ा इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कम्युनिटी स्टोरी टेलिंग लाए बिकॉज एंड ऑफ द डे हिप हॉप स्ट्रीट वेयर स्केटबोर्डिंग रफिटी आर्ट ऐसी चीज़ें हम वैसे कनेक्ट करते हैं

सिंबल ऑफ सिक्योरिटी है तो फॉर आई थिंक ग्रिफिन हमारा एक एनिमल है और हर स्टोर के साथ इसका फ्यूचर प्लान क्या देखते हैं इंडिया में, में दो से तीन स्टोर और अच्छा दो स्टोर है और दो तीन स्टोर बिल्कुल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऐसा क्यों क्या मतलब हर कोई चाहता है कि हम फॉरेन ऑडियंस को बेचें बट एनी स्पेसिफिक रीजन कि आप फॉरेन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं आई थिंक नंबर वन काफी इमोशनल रीजन है बिकॉज़ ऑलवेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने सोचा कि इंडिया बस एक दुकान है जहाँ स्पिरिचुअलिटी बिकती है उन्होंने डिसमिस किया कि यहाँ से भी क्रिएटिविटी इनोवेशन आ सकती है ओके okay. uh, मैं काफी पेट्रियोटिक मेरे ग्रैंडफादर इंडिया में आर्मी जनरल रहे हैं तो वो सेंस है कि दुनिया को दिखाने की इंडिया से भी ऐसा ब्रांड ग्रो हो सकता है जो ट्रूली ग्लोबल ब्रांड हो एंड क्योंकि हमारे पास टेक्सटाइल स्किल्स और आर्ट फॉर्म सब कुछ है बट वो मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म वो चीजें थोड़ा मिसिंग है तो वो आप चाहते हैं कि वो पुश कर पाए uh, इंडिया में जितना हेरिटेज और क्राफ्ट और स्टोरी टेलिंग है मतलब आई डोंट थिंक दुनिया में और कहीं है तो वही चीजें बस वो मॉडर्नाइज करनी है कि ऐसी चीज बनाओ ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इंडिया के हेरिटेज को अब ग्लोबल स्टोरी टेलिंग प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से मिलाए ओके okay. दोस्त जैसे कि बहुत लोगों को फैशन में इंटरेस्ट है मे बी उनको इतना नॉलेज नहीं कि वो फैशन ब्रांड शुरू कर पाए बट अगर जनरली फैशन इंडस्ट्री में घुसना है ऐसे कुछ जॉब या ऐसे कुछ रोल्स जो कि काफी हेल्पफुल होंगे फैशन के बारे में सीखने के लिए आई I मीन mean, बहुत कुछ है एक्चुअली uh, एक है कि दुनिया में वन आउट ऑफ एवरी सिक्स पीपल इज पार्ट ऑफ द फैशन इंडस्ट्री ओके तो अगर मैं रोल्स पकड़ू

जैसे स्कल्पचर हो गया टू तो इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया टू तो यूट्यूब पे उसकी इमेजरी उसकी ब्रांड पोजिशन कैसे हो रही है hmm. ये मार्केटिंग के साथ बहुत क्लोजली इंटरवर्क करते हैं okay. uh, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली इन बिगर ऑर्गेनाइजेशन दूसरा होगा रिटेल मर्चेंडाइजिंग ऐसे हो सकते हैं जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स होते हैं उनको बायर्स चाहिए होते हैं जो

जो जो आई थिंक बहुत overlook, पर बहुत ही है फैशन में जो करता है। में डिजाइनर स्केच प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर एक्चुअली रियलिटी लाते हैं okay. और ऐसे आसान नहीं होता कि टी शर्ट ड्रॉ कर लिया खत्म अगर दस स्टेप है उसमें हर दस स्टेप को एक मतलब हर स्टेप को एक सवाल ये था ध्रुव की आपने स्टोर अभी दो स्टोर खोल लिए हैं कैसे एक ब्रांड डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कहाँ स्टोर खोलना है क्योंकि अगर आपने स्टोर गलत खोल दिया तो काफी लॉसेज होते हैं तो, तो ये कैसे फिगर आउट करते हैं आई थिंक ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू टेस्ट कोई भी मार्केट जैसे आई नो कि हम नेक्स्ट टू स्टोर देख रहे हैं बॉम्बे हैदराबाद द रीजन बींग हमारी टू बिगेस्ट मार्केट जो अब अभी एड्रेस नहीं कर रहे

हो सकता है कि आपको डॉग्स पसंद है आपको गुची पसंद है, आपको पसंद है, है। आपको स्टारबक्स एक पर्सनालिटी कलेक्ट हो गए। ओके। okay. पहले होता था आ, वो डेमोग्राफिक्स देखते थे अच्छा। कि थर्टीन टू एटीन ट्वेंटी बट अब देख रहे ये जो साइकोग्राफिक जो पर्सनैलिटी थ्रू होता है उसके थ्रू आप कर सकते हो हो कि कि ये वाले ऐसे लोगों को करना है है। जो ऐसी चीज़ें में पसंद करते हैं। okay. तो इतना information collect हो सकता है। also, I think आपके लिए भी as a brand, you have to choose कि मुझे पुल मार्केटिंग करनी है पुश मार्केटिंग करनी है इसका मतलब दोनों जैसे हमने जो स्टोर लिया है हमने धनमिल में लिया है और धनमिल में ऑर्गेनिक फुटफॉल तो है हाँ. बट हमने एक कॉर्नर में लिया है क्योंकि हम चाहते हैं

मूवीज ओकेटेड okay. like तो पहली मूवी है बॉन्ट ये शेफ के बारे में ब्रैडली कोपर की मूवी है मतलब आई थिंक जितना बिजनेस के बारे में मैं और कॉन्स्टेंटली इंस्परेशन लेता हूँ इस शेफ़ की मूवी से ना मतलब अन रियल है नंबर uh, टू एक है एक मूवी ट्वेंटी वन जो गैमलिंग के बारे में ब्लैक <laughs> चैक के बारे में नेटफ्लिक्स पर शायद बहुत ही सॉलिड मूवी है आई I मीन mean, जो एड्रीनल रश होते हैं ना आई थिंक विद मनी एंड यू सी कि मनी एक गेम की जैसे ऑलमोस्ट कैसे यूज़ करते हैं वो बहुत एक्साइटिंग मूवी लगती है एंड आई थिंक थर्ड मूवी अगर चूज करनी हो तो पर्सनल फेवरेट बॉम्थ मूवी मैं तो ऑलवेज बोलूंगा हैरी पॉटर ओके बिकॉज वर्ल्ड बिल्डिंग में हैरी पॉटर से बेहतर आई डोंट थिंक और कोई है uh. जो उन्होंने अपनी आई पी बिल्ड हुए एंड जो कनेक्ट उन्होंने बनाया जिन्होंने बचपन में देखा अभी भी वो फैंस है. अब वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं चीज पर बढ़ती जा रही है हाँ। मैं अपने ग्रैंडफादर को बता रहा था कि मॉडर्न डे रामायण हरी वॉटन <laughs> Okay. एक में, उन्होंने अपने लाइफ और एडवाइस लिखी है जितना एक बुक है डी और बाई डी और क्रिश्चन डिया के फाउंडर है उन्होंने लिखी है, अच्छा, उन्होंने खुद लिखी है? आ, uh, उनके फाउंडिंग के बारे में तो आई थिंक टू लर्न अबाउट की फैशन के रूट कहाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक अगर कोई भी चीज़ ग्रो करनी है फ्यूचर में भी ग्रो करनी है इंपॉर्टेंट है कि समझना कि स्टार्ट कहाँ से हुई है डीओ huh. और रियली फाउंडर है जो मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री के एंड अगर मैं थर्ड कोई बुक बोलूँ मेरी एक फेवरेट बुक है नेम ऑफ द विंड करके नेम ऑफ द विंड एक मैं मुझे मिथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और फैंटेसी में बहुत इंटरेस्ट है तो बहुत मतलब आई थिंक हैप्पीनेस है उस बुक भर भर के ओके okay. तीन ऐसे प्रोडक्टिविटी टूल्स जिससे कि ऑलमोस्ट गॉड्स का भी काफी फायदा होता है तो आई थिंक नंबर वन है नोशन ओके okay. एक डेटाबेस है फ्री है बेसिकली मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डेटा है इस पे अच्छा, स्टोर्ड है तो सारे डिटेल्स किसको क्या करना है क्या चल रहा है क्या हो रहा है तो पूरा कंपनी बेसिकली उससे चलता है उससे चलता है एंड okay.

हो नहीं सकता है इतना इम्पोर्टेंट है यूज़ करो आ, आपके तीन फेवरेट इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स ये लिस्ट ऑलवेज बदलती रहती है नंबर वन है रैफ सीमेंट्स वो एक मेन्स डिज़ाइनर है एंटोप से वो अब प्राडा को क्रिएटिवली डायरेक्ट कर रहा है बट जैसे उसने मेंस फैशन को समझा है ना ग्राफिक्स लाकर पहला बंदा था जैसे उसने फैशन बदल हैं मेंस के लिए नंबर uh, टू है एक मरीन uh, सैर करके पेरिस बेस्ड ब्रांड है वो अपसाइकिल करते हैं तो okay. जो पुराने फैब्रिक्स हैं उनको नया लाइफ देख कर उन पर पैच वर्क करके लेजरिंग करके बट लग्जरी और वैल्यू और स्टोरी टेलिंग जो उसने क्रिएट किया है किसी और नहीं, नहीं की थर्ड है एक कुरियन ब्रांड है डबलेट करके सारे मेरे फैशन रेफरेंसेस सारे थोड़े नीट से बिकॉज जब तुम फैशन में इतना डीप हो तो तुम्हें अजीब अजीब से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पसंद है डबलेट एक थीम पार्क से इंस्पायर्ड है

Um, एक थर्ड ब्रांड आई वु भव्य रमेश वो ज्वेलरी में एक्सेसिबल कर रही uh, है आई थिंक में जो भी अभी आ रहा है स्पेशली जो ह्यूमेन करके कंपनी है उन्होंने ए आई पिन बनाया करेक्ट कितना इंटरेस्टिंग और स्मार्ट कॉन्सर आई रियली थिंक ऐसी दुनिया जैसे हम दुनिया देखते हैं पूरा वो अभी बदलने वाला बिल्कुल है तो जैसे अब गूगल ने भी अभी क्वांटम में भी बहुत किया है कि next level of computing क्या है okay. आ, तो वो मुझे वेरी इंटरेस्टिंग लगता है आई वुड से थर्ड इलॉन जितने भी companies है जैसे ऑपरेट कर रहे है, <laughs> आ, वो बंदा है कि इतने सारे वर्ल्ड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशंस को एट वन टाइम मैनेज कर रहा है और ग्रो कर रहा है एंड इतने स्ट्रॉंग विजन से लीड कर रहा है वैसे तुम तो तो अग्री करो डिसाग्री करो मुझे बहुत ही मतलब वो एक आइडल है म, मतलब उनका लगता है ईच ऑफ़ द बिजनेस हैज़ पोटेंशियल ऑफ A बात नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल सब कुछ थॉट ट्रांसफर तो uh, पूरा जो ह्यूमन काइंड का जो लर्निंग है it, uh, all, button, या uh, तो वो तो काफी इंटरेस्टिंग है एंड एनी थ्री ब्रांड्स

इंडिया बेसिकली 2027 सब ग्रोथ पे है। हर मार्केट <laughs> ग्रो कर रही है है ओपन प्लेइंग फील्ड अब बस वैल्यू क्रिएट करते जाओ। आपके फेवरेट वॉच एक एक okay. हाँ। uh, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बना था बेसिकली जो भी पायलट्स थे, थे तो उनके नॉब्स बहुत बड़े लार्ज वॉच है

उन्होंने दो वॉचेस अब तक निकाली और जो मतलब परफेक्ट वॉचेस हैं ओके ओके में डिजाइन बहुत ही सुंदर वॉचेस इंटरेस्टिंग आप वॉच जो लेते हो वो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ले लेते हो या सिर्फ पहनने के लिए मैं मैं प्लेजर के हिसाब से लेता ओके okay. आप बिलीव करते हो क्या चाहे वॉच हो या आर्ट हो आ, ये सब इन्वेस्टमेंट

काफी आर्टिस्ट थे जो अब हम मास्टर समझते हैं जैसे एम एफ हुसैन हो गए बट अब मॉडर्न मास्टर्स, अच्छा। मास्टर्स की लिस्ट आ रही है तो जो, आ, अभी भी हो या। उनकी डेथ हुई है पर उनका वर्क अब बहुत अप्रिशिएट हो रहा है बिकॉज ग्लोबली लोग इंडियन आर्ट मार्केट को देख रहे हैं माधवी पारिक okay. माधवी पारिक की जो मार्केट जैसे पिछले दो साल में ग्रो हुई है इसकी आई थिंक उसकी

या अपवर ट्रेक्ट्री में एंड सेम क्या वॉचेस में भी होता है या जैसे लोग बोलते हैं मे भी पैटेक फिलिप है या रोलेक्स है इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सेकंड हैंड जो इनके वॉचेस हैं हाँ। वो ओरिजिनल वॉचेस से भी महंगे बिक रहे हैं हाँ तो ये भी क्या उसी थियोरी पे बेस्ड होता है कि आ, जो अगर प्रीवियसली इनकी बीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है तो ये कंसिस्टेंटली डिमांड बढ़ेगी देखो ऐसी कोई बात नहीं कि कंसिस्टेंटली बढ़ेगी रोलैक्स की मार्केट क्रैश हुई है इस साल अच्छा हुई है आ, okay. जितना, जितना ग्रो कर रहा था अब उसकी पूरी मार्केट डाउन है ओके। okay. बट रोलैक्स में भी ऐसे दो तीन चार मॉडल्स हैं जो अभी भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं हल्क okay. करके पेप्सी करके अच्छा. ब्रांड मॉडल है okay. उनके लिए बहुत डिमांड है और उनकी डिमांड कभी नहीं जाएगी हाँ. बट एक रोलेक्स का मॉडल सुना है उसकी वैल्यू हुई थी अच्छा अब उसकी मार्केट एटलीस्ट करेक्शन थोड़ी करेक्शन में इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रीट नहीं कर सकती थी कभी नहीं पता हाँ कभी ऊपर भी आ कभी नीचे भी जा सकता है बिल्कुल ओके बट आर्ट आई थिंक ऑन द अपवर्ड बहुत अपवर्ड रहा है आप जैसे पर्सनली हैं अगर आपके पास हंड्रेड रुपीज है तो किस किस परसेंटेज में आप कहाँ -कहा करते हैं क्रिप्टो में आई वुड से ओके अभी uh, भी अभी भी ओके म्यूचुअल फंडी परसेंट ओके आर्ट में ट्वेंटी परसेंट रियल इस्टेट में ट्वेंटी परसेंट अच्छा एंड आई वुड से ट्वेंटी परसेंट में भी एक दूसरा मार्केट उनका भी आर्ट मार्केट है एंड वो तो उसमें भी आप पोटेंशियल देखते हैं एन uh, NFTs मुझे वैसे समझ नहीं आते बिल्कुल okay. मैंने थोड़े खरीदे हुए हैं बट मैं बस होल्ड करके रख रहा हूँ इवन दो मार्केट तो मरी हुई है बट मोस्टली अब बिटकॉइन इथेरियम पे बिल्कुल स्टेबल करेंसीज पे ओके okay, ओके okay.

टू होगा आई थिंक री इन्वेस्ट एंड गिव बैक टू कम्युनिटी यू नो जैसे हमने अभी ये पार्टी की थी स्टोर लॉन्च के लिए छः सौ लोगों की जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी तो लोग पूछ भी रहे थे कि इतना क्यों कर रहे हो यार जो हम बने कम्युनिटी कैसे बने हैं उसी कम्युनिटी को रिवॉर्ड करो इन, इनको एक साथ लाओ एंड ऑफ द डे धंधा है बट धंधा चलेगा इफ यू आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट वैल्यू फॉर पीपल एंड आई थिंक नंबर थ्री इज बी अ नाइस पर्सन Uh, uh, in your company and be a nice person outside. Word of mouth spreads. And uh, आप genuinely care करते हो तो आप you'll be happier, your people will be happier, people will like you more. हाँ, वो जो kindness spreads. Yeah, kindness spreads. It's the number one marketing and I think life philosophy. बिल्कुल. अब हम आते हैं अपने rapid fire के segment में. तो द्रुव इसमें आपको जो short आपके mind में जो answer आ रहा है, वो देना है. Done. तो any celebrity which you would want to collaborate with? कार्नीवेस्ट एक ऐसा सेलिब्रिटी जो आप चाहते हो कि आपका ब्रांड एम्बेसडर बने तो मजा आ जाए आई वुड से अगर मैं सेल्स अगर मैं आर्ट के हिसाब से देखूं जो मेरे है, एक है, Hust, है, बनाता है मतलब उसने एक डेड शार्क को म्यूजियम में डाला था जी okay. एंड उस बस एक शार्क था बट उसने बोला कि इट्स इन लिविंग तो उसने पूरी स्टोरी इस शार्क के अटैच की थी ऐसा मेरे लिए बहुत है तो ऐसे लोगों के साथ

फॉर द स्टार्स तभी आप मून तक पहुंचोगे हाँ एंड वर्स्ट बिजनेस एडवाइस जो आपको लगता है फॉलो ही नहीं करना है वर्स्ट बिजनेस एडवाइस है कि कोई भी कर सकता है धंधा अच्छा ऐसा नहीं है आई डोंट थिंक ओके ऐसे कुछ ब्रांडिंग या मार्केटिंग हैक्स वजह से ऑलमोस्ट गॉड्स थोड़ा ज्यादा ग्रो कर पाए आई थिंक हमने सोशल मीडिया को लेवरेज किया है एंड हमने बहुत फोकस किया है कि अपनी कम्युनिटी को जितना वैल्यू दे पाए हम कम्युनिटी को एक साथ लाते हैं कम्युनिटी को जैसे इवेंट्स और एक्सेसिबिलिटी देते हैं आई डोंट थिंक इंडिया में और कोई कर सकता है आपको इसमें ऑर्डर में अरेंज करना है आपके इंपोर्टेंस के हिसाब से ओके okay. तो नॉलेज पावर मनी नॉलेज पावर मनी हाँ नॉलेज पावर मनी अच्छा इसी ऑर्डर में स्टीव हाँ. जॉब्स एलन मस्क मास्क मुकेश अम्बानी स्टीव जॉब्स इलॉन मास्क मुकेश अंबानी ऐसे मेरे ही ऑर्डर सोनम कपूर रणवीर सिंह उर्फी जावेद रणवीर, सोनम उर्फी ओके थोड़ा आपने ऑर्डर चेंज किया नाइकी एडिडास मे प्यूमा नाइकी एडिडास प्यूमा ऐसे ही पूछ रहे करते हैं ठीक है ब्लू ऑरेंज जे वॉकिंग मैं नहीं कर सकता <laughs> दोस्त and finally, any three tips, uh, या advice, आप एक यंग डिजाइनर को देना चाहते हैं जो कि शुरू करना चाहते हैं ब्रांड वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि आप डिजाइनर हो या, या बिजनेस मैन हो okay. यान या हो uh, आप हो सकता है कि दोनों स्किल सेट्स ना हो, हो सकता है कि हो हो सकता है कि एक आपका बेटर हो तो अपने, अपने आप के साथ ट्रूथफुल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर टू आई थिंक जितना एडवाइस और नॉलेज आप ले सकते हो द बेटर बुक्स पढ़ो जितना लो कॉस्ट वर्सेज हाई नॉलेज जो बुक्स में मिलती है आई डों एंड नंबर थ्री वुड बी दैट कंसिस्टेंटली करो ऐसे नहीं हो सकता कि आप हाइप एक दिन बनाओ और नेक्स्ट डेन पक इट्स hmm. कंसिस्टेंट